इतना अंधेरा हो जाए, मतलब इतना घाट वगैरह आएगा, अदरवाइज हम लोग खुद रुक जाते थे आज की रात। जब यहाँ तक आया उसको क्रॉस तो करना ही है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की मॉर्निंग बागा बीच पे हुई है। बागा बीच के पास ही हम लोग आज रुके हुए थे और आज जो है हम लोग चेकआउट करेंगे सीधा मुंबई के लिए। ऐसा तो प्लानिंग है कि डायरेक्ट मुंबई से, गोवा से सीधा मुंबई निकले, बट लेट्स सी। ये टीटोस लेन काफ़ी फेमस है गोवा में। टीटोस लेन में आपको बार, रेस्टोरेंट, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। तो फिलहाल तो ये रात को 2-3-4 बजे तक चलती है और अभी फुल साइलेंट हो गया है ना। रात के 3-4 बजे तक चालू रहते हैं। पूरा लेन जो है टीटोस लेन है, पूरा स्टार्ट टू एंड। बागा बीच के पहले इसका एंट्री है टीटोस लेन करके। वहाँ से सीधा जाओगे तो आपको बीच कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। सो अभी हम लोग मॉर्निंग में राउंड मारने निकला हूँ, तो लेट्स सी, देखते थोड़ा। यहाँ पे स्टे की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मीन्स एवरी कॉर्नर, एवरी पार्ट, कहीं पे भी चले जाओ आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि रूम्स नहीं मिलेंगे आपको, काफ़ी रूम्स अवेलेबल रहते हैं। शायद नाइट भी 31st वगैरह नाइट में आओ, क्रिसमस में आओ तो शायद थोड़ा बुकिंग ज़्यादा रहे, बट अभी फ़िलहाल वीकेंड्स में भी आओ तो आपको इजीली रूम अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है गोवा की कि यहाँ पे आपको ना दो साइड देखने मिलेगा गोवा का, एक तो अरम्बुल जो बीच है वो, और एक है बागा बीच। बागा बीच पूरा नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, और जो अरम्बुल बीच है वहाँ पे, इस तरफ तो हम लोगों ने फॉरेनर्स को बहुत कम देखा, बट अरम्बुल बीच में हम लोगों ने फॉरेनर्स को भी बहुत देखा। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स थे, मीन्स 50-50 का रेशियो भी नहीं बोल सकते, 80-20 का रेशियो। 80% वहाँ पे फॉरेनर्स थे और 20% इंडियंस थे, बट यहाँ पे 90% इंडियंस ही थे, जो कि फुल नाइट लाइफ। यहाँ पे गोवा स्पेशली जो बागा बीच है, यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ नाइट लाइफ इंजॉय करने आते हैं, क्योंकि ये रात में ही 11 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर रात को 3-4 बजे तक सारा पूरा मौज रहता है। इतना मतलब लाउड म्यूजिक ये सब। अगर आपको बीच चाहिए तो अरम्बुल बीच रुकना, और नहीं तो आप बागा बीच का आप इंजॉय कर सकते हो, बीच पे भी इंजॉय कर सकते हो, और इस साइड जो टीटोस लेन है वहाँ पे भी आप नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। तो बहुत ही मतलब 2-3 दिन लेके आओ यहाँ पे। सो फाइनली वी आर सेट नाउ टू गो मुंबई अगेन, और जो है हम लोग का रूट अगेन वापस से हम लोग सोच रहे अब निकल जाए यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं अभी, लगेज बांधते और सीधा निकलेंगे मुंबई के लिए। ट्राई ऐसा रहेगा कि डायरेक्ट मुंबई जाए, बट लेट सी, आगे देखेंगे फिर। और अभी मैं बाइक के पास जा रहा हूँ मेरे। सो वी आर सेट टू लीव द मुंबई। ये हमारी बाइक रेडी हो गई है, ये अपनी फुल बाइक रेडी, लगेज भी यहाँ पे बांध दिया हम लोगों ने, और अभी यहाँ से गणपति बप्पा मोरिया करते हैं। अब तक मुंबई से लेके अब तक हम लोग ने 704 किलोमीटर किया, 704 किलोमीटर। और अब यहाँ पे सिर्फ एक बार हम लोग अभी रुकेंगे, अभी जस्ट कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे। मोस्ट ऑफ हम लोग का प्लानिंग ऐसा है कि नॉन स्टॉप मुंबई के लिए निकल जाए। अब लेट्स सी, देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे हम लोग, अदरवाइज कहीं एक रात आज रुक जाएंगे। आप बाइक कार सब रेंट कर सकते हो, कार का प्राइस रेंटल अराउंड 1400 से लेके 3000-5000 तक जाता है, अगर जीप थार वगैरह लेते हो तो। और कार स्कूटीज़ का जो रेंटल है, बाइक तो नॉर्मली मैंने नहीं देखा, स्कूटीज़ यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, तो स्कूटीज़ का रेट है अराउंड 300 पर डे चार्जेस। और पेट्रोल भी, पेट्रोल पंप है यहाँ पे, बट थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर्स के आसपास का। तो स्कूबा डाइविंग आपको बताना भूल गया, स्कूबा डाइविंग अगर हम लोग पैकेज में लेते हैं ना, तो पैकेज बहुत ही सस्ता पड़ता है, मीन्स 2500 में, और अगर आप बार्गिंग करोगे तो 2000 तक भी हो जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे स्कूबा डाइविंग वाले, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करना है तो बीच को छोड़ के स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाओ, वहाँ पे भी सेम एक्टिविटीज़ होती है, सारा चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करवाएंगे। यहाँ पे आपको कोई मैनेजमेंट नहीं मिलेगा बीच पे, ठीक है। अगर आपको एक एक्टिविटीज़ करना है तो उसके लिए आप नॉर्मल एक एक्टिविटीज़ का पे करो, और वो बहुत चार्जेबल है। जैसे अभी हम लोग ने 2200 में हम लोग ने पैकेज कराया था स्कूबा डाइविंग में, उसमें हम लोग को पैरासीलिंग, बम्पर राइड,
जेट स्किन और बनाना राइड, ऐसे पांच चीज़ें हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। तो जो हम लोग ने किया वहाँ पे बहुत अच्छा, प्लस डॉल्फिन साइट सीन हम लोग को बताया था, डॉल्फिन दिखी भी हम लोग को, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट उसमें हम लोग को डॉल्फिन भी दिखी। फिर स्विमिंग करवाया हम लोग को, लाइफ जैकेट देके उसके बाद, और स्विमिंग भी हम लोग को कैसा कराया कि बीच समुंदर आइलैंड पे ना हम लोग को छोड़ दिया लाइफ जैकेट के साथ, तो हम लोग उसके अंदर ही मस्त इंजॉय करते हुए हम लोग पूरा ट्रिप इंजॉय किया, पूरा दिन हम लोग ने फुल इंजॉय किया। और हम लोग यहीं बीच पे करते हैं, तो बीच पे सिर्फ आप एक्टिविटीज़ करोगे लाइफ जैकेट के साथ और वापस से वो लाइफ जैकेट आपसे ले लेंगे, तो बेटर ऑप्शन है आप पैकेज करवा लो। अराउंड एक दिन का टाइम लगता है ये चीज़ के लिए, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock को आप निकलोगे, 7:30 8 o'clock ये लोग बोलते हैं, वहाँ से आपको बस पिकअप ड्रॉपअप आपके होटल से आपको पिकअप करेगी और ड्रॉप करेगी आपको। मीन्स एक एक पॉइंट ये लोग ने बना के रखा है, वहाँ पे जाके आपको पंजिम जो बताया था मैंने वो पोर्ट, नॉर्मल लोकल बोट्स की वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ से आपको वो लोग लेके जाएंगे पंजिम से वास्को डी गामा आइलैंड। मीन्स हम सबका अलग अलग रहता है, तो हम लोग को वास्को डी गामा आइलैंड लेके गए थे, वहाँ पे हमारा स्कूबा डाइविंग था। सो अभी हम लोग मुंबई गोवा रोड पे आ गए, हाईवे पे NH 66 पे आ गए हम लोग अभी, और यहाँ से अभी अगर वो वाला वे नहीं रहा जहाँ से हम लोग आए, तो ये वे सीधा जाता है मुंबई गोवा, ये रोड का नाम भी है मुंबई गोवा रोड। तो लेट्स वे अगर हम लोग को मिल गया और ऐसा ही वे रहा तो फिर फॉर श्योर है हम लोग डायरेक्ट मुंबई निकलेंगे, और अगर वो वाला वे निकला तो शायद तो होल्ड ले, क्योंकि वो वे में कैसा बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था, ये रोड अगर अच्छा रहा तो डायरेक्ट मुंबई के लिए निकल जाएंगे हम लोग। ब्रेकफास्ट कहीं भी अभी देखते ऑन द वे ले लेंगे हम लोग, कर लेंगे। सो अभी हम लोग ऑन द वे 17 किलोमीटर क्रॉस किए, 17 किलोमीटर के बाद अभी जो है कि ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हम लोग। सो फाइनली अभी जस्ट हम लोग ने गोवा बॉर्डर क्रॉस किया और अभी जस्ट हम लोग ये महाराष्ट्र में एंटर किए, ये है महाराष्ट्र में हम लोग आ गए अभी, और एग्जैक्ट इसके पीछे चेक पोस्ट था, मतलब यहाँ पे लिखा भी है मोटर व्हीकल एक्ट और यू आर इन द न्यू RTO न्यू रूल्स के साथ, जाके महाराष्ट्र का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा और यहाँ पे लगभग गोवा की गाड़ियों को चेक करते हैं काफ़ी। तो नाउ अब हम लोग को सब यहाँ पे कोंकण का सब मिलेगा होटल और महाराष्ट्र का सब मिलेगा, गोवा गया अब कहीं भी हम लोग, देखो अगर ज़्यादा चेकिंग रहती है तो ये रहेगा बॉर्डर चेकिंग, जो ट्रक्स वगैरह का चेकिंग होता है वो यहाँ होता है, नया चेक पोस्ट बन रहा है ये इस तरफ भी और इस तरफ, ये नया बन रहा है चेक पोस्ट जो कि चेक बॉर्डर चेकिंग के लिए होगा, वो वाला चेक पोस्ट ऐसे ही नॉर्मल रोड पे था और वहाँ पे लिखा हुआ था बॉर्डर चेंज एंड बॉर्डर चेकिंग इज़ गोइंग ऑन ऐसा करके, और ये अब नया बन रहा है, और लगभग सारे स्टेट में ऐसा ही है चेक पोस्ट जब हम बॉर्डर क्रॉस करते तो ये यहाँ पे नया बन रहा है। और अभी अपने मुंबई के लिए सीधा जाने का है, ये देखो बिंदा के लिए लेफ्ट, सत्तनवाड़ी के लिए राइट और मुंबई के लिए सीधा, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग लगभग महाराष्ट्र के एकदम अपने घर से थोड़ा ही दूर पे आए, ज़्यादा दूर है नहीं अपन लोग, अच्छा लगता है लेकिन कभी कभार वैसा लग रहा है, वड़ा पाव चालू हो गया महाराष्ट्र का। हाँ जाते टाइम तो पता नहीं हम लोग को कहाँ से लेके गया था रोड, पूरा घूम घूम के बॉर्डर क्रॉस करने में ही कितना टाइम लग गया था तभी हम लोग को, और अभी जुब से बॉर्डर क्रॉस हो गया 43 किलोमीटर निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। तो अभी हम लोग रांझा में पहुँचे, अभी महाराष्ट्र का एक गांव है, और इसके बाद अभी अराउंड 180 किलोमीटर्स हम लोग ने गोवा से किया है अभी तक। सो प्लानिंग ऐसा था कि रत्नागिरी जाके रुकेंगे बट प्यास इतना लगा था खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया हम लोग ने, तो उसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रेक लेके पानी पी के 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर
आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर रत्नागिरी में स्टॉप लिया तो मैं वहाँ पे भी रुकूंगा थोड़ा टाइम। सो फाइनली हम लोग रत्नागिरी पहुँच गए। रत्नागिरी सिटी जाना है तो यहाँ से हम लोग को नीचे डाउन साइड में 13 किलोमीटर जाना है सिटी के लिए, और नहीं तो अभी राइट नाउ हम लोग हाईवे पे है अत्तम्बा। वहाँ से पेट्रोल पंप पे रुके थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए। अराउंड 220 किलोमीटर्स डन फ्रॉम द गोवा, और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिए 10-15 मिनट फ्रेश होते हैं थोड़ा, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से दिखा रहा है 360 किलोमीटर कुछ आसपास दिखा रहा है मुंबई के लिए, मतलब प्रॉपर अपना घर के लिए। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग यहाँ से जो रत्नागिरी वाला जो रूट लिया है यहाँ से ना पुणे आएगा कुछ सीधा महाड़ पाली वगैरह होते हुए। सो मुंह वगैरह धो के फ्रेश हो गए और सोच रहे चाय पी के फिर ही आगे बढ़ते, तो क्या फिर अभी ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो गया है, तो बाइक पीछे खड़ा किया, लगेज वगैरह भी सब वहीं रखा है, और सामने ही पेट्रोल पम्प के सामने ही चाय वाले का दुकान है, तो चाय पी के फिर सीधा निकलेंगे। अच्छा हुआ लंच हम लोग ने जल्दी कर लिया, तो इससे क्या है कि अभी हम लोग को भूख तो लगी नहीं है। सो अभी निकल गए हम लोग वापस से पेट्रोल पंप पे जो रुके थे 15-20 मिनट आधे घंटे के आसपास। अब मुंबई यहाँ से 343 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 4:45। सो लेट्स सी, देखते हैं अब कितना कवर अप होता है। 305 बोले तो बहुत लंबा रूट है अभी, और चाय पिए तब तक बाइक को भी रेस्ट दे दिया हम लोग ने पेट्रोल पंप पे रुक के। एक्चुअली जाना था वॉशरूम, तो हम लोग वॉशरूम गए थे, सोचे फ्रेश भी होके निकलते फिर यहाँ से, तो फ्रेश हुए तो फिर बोले चाय का टाइम हो गया, चाय पी लेंगे, चाय पी के फिर अभी वापस कंटिन्यू। अब कहीं भी रुकना नहीं है, चलते चलते रहते, देखो कहाँ तक ये कवर अप होता है। लोगों से पूछा ये रूट कहाँ तक ख़राब है, तो लोगों ने बताया कुछ 20-30 किलोमीटर तक थोड़ा ऐसे ही है, फिर थोड़ा सा रूट सही है, तो कंटिन्यू करते हैं इसमें। वैसे रोड का काम चालू है, ये रूट एक बार बन जाएगा ना तो बहुत सुपर वे हो जाएगा, तो लेट्स कंटिन्यू। मूवी वगैरह में देखते वैसा लग रहा है, सामने रेलवे ट्रैक, कोई ट्रेन आती तो और अच्छा दिखता था। हाँ अभी टाइम नहीं होगा कोई, सनसेट होने आ। तो चिपलून आ गए हम लोग, और अभी ये लेफ्ट लेके सीधा मेन हाईवे है ना वो कनेक्ट करेगा अपने को, जो महाड़ वगैरह निकलेगा जो आते वक्त ऑन द वे था हम लोग को, मीन्स लोनावला वगैरह सब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद। हेलमेट देखो इतनी मिट्टी और डस्ट थी कि हेलमेट देखो पूरा गोप्रो पे मेरा मिट्टी मिट्टी लग गया एकदम। सो ऑल सेट नाउ, और अब यहाँ से चिपलून से अराउंड 265 किलोमीटर बता रहा है मुंबई। सो नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू द बैक टू द होम, सीधा घर जाए हम लोग। और अब यहाँ से जो हम लोग को यहाँ से एक लेफ्ट लेना है, और 700 मीटर पे हम लोग को राइट लेके हाईवे कनेक्ट करना है ट्रैवल करने के लिए। मीन्स अकेले अगर किसी के साथ में हो तो नो प्रॉब्लम, बट अकेले बिल्कुल भी नहीं, टोटल रिस्क है। पूरा घाट एरिया है, कोई ज़्यादा है नहीं आसपास, आ रहे जा रहे लोग, और अंधेरा भी बहुत है, तो इतना अंधेरा हो जाए मतलब इतना घाट वगैरह आएगा, अदरवाइज हम लोग खुद रुक जाते थे आज की रात। बट अब यहाँ तक आए, इसको क्रॉस तो करना ही है, अराउंड 25-30 किलोमीटर का इतना लंबा घाट है ही है। अभी तक तो हम लोग दो गाड़ी को फॉलो करते हुए आ रहे थे, बट वो लोग भी ऊपर की तरफ रुक गए, तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। सो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग ने गोवा से 397 किलोमीटर किए, 397 किलोमीटर किए हैं। अभी महाराष्ट्र, अभी हम लोग कौन से तो जगह पे है, बट यहाँ से अपना घर 161 किलोमीटर है। सो लेट्स सी, देखते हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा सोचे कि काफ़ी लंबा राइड हो गया, अराउंड 160-170 किलोमीटर का राइड हो गया कंटिन्यूसली। सो हम लोग सोचे कि अब रुक जाते थोड़ा टाइम, खाना ना खा के हल्का फुल्का ही खाएंगे, ताकि घर
जा पाए, नींद नहीं आया हम लोग को, तो हल्का फुल्का खाएंगे और फिर सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे। अब 161 किलोमीटर कंटिन्यू रहेगा। सो राइट नाउ इट इज 3:27 को हम लोग घर पहुंच गए, फाइनली बैक टू द रूम। एकदम थक गए, बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो गई, ऐसा खींच के लेके आए हम लोग यहाँ तक। बीच में ऐसा लगा कि हॉल्ट ले लेना सीधा, बट देन टू 120-130 किलोमीटर था, तो मैं हम लोग डिसाइड किए कि नहीं सीधा घर ही चलेंगे। इतना जर्क लगा हमारे बॉडी के साथ साथ हमारी गाड़ी ने भी, उसको भी जर्क लग गया। देखो इसका लाइट लटक गया। सो फाइनली आ तो गए हम लोग, थैंक यू वेरी मच। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।